इस दुनिया में आई ही हैं कुछ बयान करने के लिए, और ये आर्ट फॉर्म्स, संगीत जो है ये उसका एक ज़रिया है जिससे आप की जो भी कहानी है वो उसको आप खूबसूरती से बयान कर सकते हैं। पूरा एक सब्जेक्ट है, आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे जब सिखाते हैं तो उसकी पूरी फिलॉसफी, उसकी पूरी चीज़ जो जो शुरुआत है किस तरह से करना है, जो बोल हैं, जैसे हम ए बी सी है, अलिफ बे है, इसी तरह तात है, थे तत है। असल मकसद तो इन इन इस फ़न का अपने आप को समझना है। तो जब आप अपने आप को समझते हैं तो दरवाज़े खुल जाते हैं, आप इतना कुछ आपको नज़र आता है जो कि आपका पर्सनल है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको जो है उसको पब्लिसाइज करें। या tornem a estar aquí amb moltes ganes de treballar i d'aprendre del seu coneixement, que és tot un luxe. Doncs el taller d'avui ha anat molt bé, estic molt contenta perquè feia molt de temps que no sentia aquesta energia a l'hora de ballar Kathak i ha sigut magnífic, ho recomano a tothom. Sempre és un plaer treballar amb ell perquè és que ell és com el pur Kathak, no? Ell és el Kathak. Llavors tot el que surt d'ell és Kathak. I aprens de cada petit gest, de cada paraula, de cada correcció, de veure'l com va creant la peça i va coreografiant-la, de com entén la música, i tot això ens, a mi personalment em fa viure algo que no puc concebre únicament des d'aquesta vida. És una cosa que m'ha connectat amb algo molt, molt ancestral. जब तक आप इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेंगे ना, तब तक ये बातें रहेंगी, क्योंकि अगर आपने इसको एंटरटेनमेंट की लेवल पे रखा है तो फिर दुनिया एंटरटेन होना चाहती है। और वो कहते हैं कि कोई लड़की हो, नाच रही हो, जवान सी, तो वो एक एंटरटेनमेंट की लेवल पे चली जाती है ना बात। जब आप इसको एक सब्जेक्ट बना के रखेंगे, बनाएंगे, जो कि ये है एक सब्जेक्ट, तो फिर पता चलेगा कि वो जो परफॉर्मर है उसका जेंडर जो है वो काउंट नहीं होगा।